हेलो विद्यार्थियों, अपन पिछले ई लेक्चर्स में उन लक्षणों के बारे में चर्चा कर रहे थे जिन लक्षणों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो कुछ लक्षण अपन जिसके बारे में चर्चा कर चुके थे, कुछ लक्षण जो रह गए थे उनका अध्ययन अपन आज करेंगे। तो पहली स्लाइड्स में अपन देखते हैं ए सुलोमेट, सुडो सुलोमेट एंड सुलोमेट। तो ऐसे जीव जिनके अंदर गुहा का नहीं पाया जाना, और ऐसे जीव जिनके अंदर गुहा की उपस्थिति होना, और ऐसे जीव जिनके अंदर आभासी गुहा जिसको कुट गुहिका पर गुहा या बोलते हैं वो पाया जाना। तो सुडोसुरोम दिस इज ए पार्शियल बॉडी कैविटी, जो कि एक आभासी और या बॉडी के पार्शियल बॉडी कैविटी होती है। जैसे इट फिल्ड विथ ए फ्लूड, जो कि एक तरल पदार्थ से भरी हुई रहती है। इट अलाउज रूम फॉर इंटरनल ऑर्गन्स टू डेवलप, तो ये एक जगह देती है जिससे कि आंतरिक जो अंग हैं जिनका विकास होता है। द फ्लूड आल्सो कसन्स द इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि उसको एक सपोर्टिव प्रदान करते हैं कसन्स की तरह, जैसे जो शॉक ऑब्जर्व होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कसन्स मतलब जैसे तकिए वगैरह होते हैं जो सॉफ्ट, तो उस प्रकार का वो उसको सपोर्ट देते हैं। द प्रेशर्स ऑफ द फ्लूड्स विद इन द केविटी प्रोवाइड स्टिफनेस, इट गिव्स द बॉडी इंटरनल सपोर्ट फॉर्मिंग हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन। तो इस प्रकार के जो जीव हैं जिनके अंदर एक हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन का डेवलप होता है, जो कि आंतरिक जितने भी अंग हैं उसको एक सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो आंतरिक जो गुहा होती है, जो कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, और वो एक फ्लूड से भरी हुई रहती है जिससे कि अंग सुरक्षित रह पाते हैं। तो इस प्रकार का जो अंदर का जो कंकाल है जिसको हाइड्रोस्टेटिक स्केल्टन कहा जाता है। इट एक्सप्लेन्स वाई राउंड वर्म्स आर राउंड एंड फ्लैट वर्म्स आर फ्लैट। तो जो फ्लैट वर्म्स है वो क्या है, ए सुलोमेट्स है, और राउंड वर्म्स क्या है, दे आर सूडो सुलोमेट्स जिसके एस्केल्मेंथीज जाते हैं। तो ये इसलिए हैं कि जो जो उनका बॉडी का टेक्चर है, दे आर इंटरनली देयर केविटी इज फिल्ड विद ए फ्लूड। लेटर इट यू सुलोम्स, उसके पश्चात क्या हुआ, राउंड राउंड वर्म्स के बाद क्या हुआ, सुलोम की उत्पत्ति हुई या उसका उद्भव हुआ। तो इसमें अगर सबसे पहले जो जीव आए वो क्या थे, सुडो सुलोमेट, क्या कहते हैं, ए सुलोमेट थे, उसके बाद आए सुडो सुलोमेट, और सुडो सुलोमेट्स के बाद आए सुलोमेट जीव। तो पूर्व में जो जीव थे वो अगुहिकी थे, जिनके अंदर गुहा नहीं पाई जाती थी, उसके अंदर पाए जिनके अंदर कूट पर गुहा पाई जाती थी या आभासी गुहा देखने को मिलती थी, और उनके पश्चात जिन जीवों का उद्भव हुआ उनके अंदर गुहा देखने को मिली, जैसे हम उनका प्लेटफॉर्म्स, राउंड वर्म्स, और उसके बाद जितने भी ये एनलिड्स हैं, अर्थोपोड्स हैं, मोलस्का है, कार्नरमिटा है, ये सारे क्या थे, सुलोमेट्स थे। तो सुलोमेट की उसके बाद उद्भव हुआ, इसके बाद सुडोसुलोम के बाद। दिस इज ए फ्लू फ्लेट बॉडी कैविटी कम्प्लीटली इनक्लोज बाय मेजर्डर। तो ये इस प्रकार की जो गुहा थी जो चारों तरफ से अंत क्या कहते हैं, मिडल जो मध्य स्तर होता है उससे घिरी हुई रहती थी। इट लाइज बिटवीन द डाइजेस्टिव कैविटी एंड बॉडी वॉल। तो ये जो शरीर का जो बाहर की जो आवरण है उससे, और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके बीच में ये पाई जाती थी। इनवर्टिब्रेट्स विथ ए ट्यूसलोम्स इंक्लूड, जो ऐसे अकशेरुकी जीव जिनके अंदर सच्चे मायने में या सच्चे रूप में जो गुहा देखने को मिलती है, शारीरिक गुहा, तो वो कौन है, कौन कौन से जीव हैं, एनलिड्स हैं, अर्थोपोड्स हैं, मोलस्कस हैं और इकानरमिट्स, इनके अंदर सुलोम पाई जाती है। इस स्लाइड्स में आप देख रहे हैं, ये जैसे ये है, ये सुलोमिट्स हैं जो कि फ्लेटफॉर्म चपटे कर्मी होते हैं। तो इनके अंदर जो बॉडी कवरिंग है वो ये आप देख रहे हैं एक्टोडर्म, ये टिश्यू फ्लेट जो पीएच का रीजन है, और ये डाइजेस्ट ट्रैक्ट है। तो ये इनके अंदर किसी प्रकार का बीच के अंदर जो आपको कैविटी देखने को नहीं मिलेगी, इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये जितने भी जीव हैं वो क्या है, ए सुलोमेट। तो और स्यूडो सुलोमेट्स ऐसे जीव हैं जिनका जो बीच का ये भाग है वो पूर्ण रूप में क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, ठीक है ना, बॉडी कवरिंग और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके बाद बीच में ये सुडोप्लाइन पाया जाता है, टिश्यू फ्लेट रीजन फ्रॉम मेजोडर्म्स। और जो जितने भी सुलोमेट्स के हैं अंदर, ठीक है ना, तो इनके अंदर बॉडी कवरिंग पार्ट, बीच में टिश्यू फ्लेट रीजन मेजोडर्म, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये जो आपको दिखेगी ये आपको क्या दिखेगी, यहाँ पर इनके अंदर ट्यूसिलोम पाई जाती है, ठीक है ना। तो
ओ ये डिफरेंसेस है ए सिलोमीट्स में, सिलोमीट्स में और स्यूडो सिलोमीट्स में। तो मतलब स्यूडो सिलोमीट्स में जिनके अंदर सिलोम कम्प्लीटली डेवलप नहीं है, ठीक है ना, द सिलोम इज नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड, आप ऐसी सिलोम पाई जाती है, और जिनके अंदर सिलोम पूर्ण रूप से विकसित है उनको सिलोमीट्स कहा जाता है। तो पहले अपन जो सिंपल परिभाषा थी तो सिलोम की, तो वो ये थी क्या, द कैविटी फाउंड इन बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज सिलोम। बट साइंटिफिकली देयर इज ए लेयर्स विच कवर्स द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल्स एंड अदर ऑर्गन्स, वायर जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल्स के बीच में पाए जाते हैं, वो भी किसी न किसी एक पर्टिकुलर स्तर से घिरे हुए रहते हैं। तो उसके बाद तो जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो सिलोम की चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो उसके आधार पर सिलोम को परिभाषित किया जाता है, द कैविटी या द स्पेस फाउंड इन बिटवीन वेसल पेरिटोनियम एंड पेरिटल पेरिटोनियम। तो जो पेरिटल पेरिटोनियम है वो बॉडी वॉल को कवर करते हैं, और जितने भी जो वेसरल पेरिटोनियम है वो जितने भी ऑर्गन से उसको कवर कर जाते हैं। तो ऑर्गन को छोड़कर जो बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो स्पेस है वो सारा क्या कहलाता है, सिलोम कहलाता है। इंक्लूडिंग नॉट इंक्लूडिंग, यदि अपन जो पुरानी परिभाषा है उसके आधार पर देखें तो ऑर्गन्स इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि जो बीच का क्षेत्र है बॉडी वॉल का और आर नाल का बीच का, तो उसके अंदर ऑर्गन भी आते हैं, तो ऑर्गन भी सिलोम हो जाते हैं। तो इसलिए ऑर्गन्स को अलग करते हुए ऑर्गन के चारों तरफ एक स्तर पाया जाता है, और जो आर नाल है उसके और बॉडी वॉल के अंदर की तरफ एक स्तर पाया जाता है, जिसको पेरिटल क्या कहते हैं, वेसल पेरिटोनियम और पेरिटल पेरिटोनियम और वेस्ट्रल पेरिटोनियम, जो अंगों के चारों तरफ पाया जाता है। तो इस स्तर के बीच में जो कैविटी आती है उसको सिलोम कहा जाता है। उसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो सेगमेंटेशन इन बॉडी, तो शरीर का खंडीकरण। तो सेगमेंटेशन इवॉल्व नेक्स्ट, दिस इज ए डिवीजन ऑफ द बॉडी इन टू ए मल्टीपल सेगमेंट्स, जिसके अंदर क्या होता है, एक सीक्वेंस के रूप में एक के बाद एक बहु खंडों का जो बॉडी है वो अलग अलग खंडों में विभक्त हो जाती है। बोथ द अर्थ फॉर्म्स एंड एन एंट पिक्चर्स इन द फिगर, नेक्स्ट जो आप फिगर में होंगे देखेंगे तो इसके अंदर आपको केंचुए की और जो चींटी होता है उसका डायग्राम देखने को मिलेगा है, उसके अंदर आप देख सकते हैं उनके अंदर बॉडी उनके शरीर में खंडों को आप देखा जा सकता है। दिस ट्रेट्स इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसकी वजह से क्या हुई, उनके शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप्ड हुई, तो वो अपने आप को मूव करा सकते हैं किसी भी तरफ। तो इट परमिट्स ए वाइड रेंज ऑफ मोशन, जिसकी वजह से वो वाइड रेंज बहुत अलग अलग प्रकार का उनके अंदर मूवमेंट्स देखने को। ऑल द एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स आर सेगमेंटेड, तो जो ट्यूब जो सेगमेंटेशन है वो एलिनेट्स के अंदर भी देखने को मिलता है, और उसके अलावा जो एक्सटर्नल सेगमेंट्स में ऑर्थोपोड्स में, जो एनिलिड्स होता है जिनके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ का सेगमेंट्स मिलता है, वेयर इज एन आर्थ्रोपोड्स इन ओनली एक्सटर्नल सेगमेंट इज प्रेजेंट, नॉट ए ट्रू सेगमेंट्स। तो आर्थ्रोपोड्स आर आल्सो इवोल्वेड जॉइंटेड अपेंसेज, फॉर एग्जाम्पल दे इवोल्व जॉइंटेड लेग्स फॉर वॉकिंग एंड फिलर्स एंटीनाई फॉर सेंसिंग। तो इसके बाद जो सेगमेंटेशन के बाद क्या हुआ, जॉइंटेड अपेंसेज जो देखने को मिले वो कहाँ मिले, आपको आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिले, और उनके साथ साथ वॉकिंग जिस वॉकिंग के रूप में काम करते हैं कुछ जो फिलर्स एंटीनाई पाए जाते हैं जो उसके सेंसिंग के रूप में सेंसेशन के रूप में काम करते हैं, जो सेंस ऑर्गन के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम देख रहे हैं, ये अर्थवर्म्स का है ये, तो ये एनिलिड्स है और ये अर्थोपोड्स। तो सेगमेंट सेगमेंटेड इन्वर्टिब्रेट्स अर्थोपोड्स एनिलिड्स एंड ब्लैक एंट अर्थोपोड्स एंड एन अर्थवर्म्स कंसिस्ट ऑफ मनी स्मॉल सेगमेंट्स एंड एंट हैज ए थ्री लार्ज सेगमेंट्स, नोटिस द एंट जॉइंटेड लेग्स एंड फिलर्स। तो आप इनके अंदर ये देख सकते हैं, इनके अंदर जॉइंटेड लेग्स है और ये एंटीनाई पाए जाते हैं। तो अर्थो जो एनिलिड्स हैं उनके अंदर क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार का सेगमेंटेशन पाया जाता है, जबकि जो अर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर बाहरी खंडीकरण पाया जाता है, उनके अंदर सेफेलिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन और थोरेसिक रीजन, तीन थ्री रीजन पाए जाते हैं, वेयर की इनका जो सीक्वेंस सेगमेंटेशन है और हर एक सेगमेंट एक बराबर खंड में विभक्त है, और इसका जो अग्र भाग का जो खंड है और पीछे भाग के खंड को छोड़कर बाकी सारे खंड सारे एक समान होते हैं, और उनके अंदर आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का खंडीकरण देखने को मिलता है, यानी कि ट्रू सेगमेंटेशन एनिलिड्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिसे
और इस प्रकार का जो शरीर का विभक्त होना क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन कहलाता है या खंडीकरण कहलाता है। इन सम एनलिट्स द बोथ बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विथ ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ द एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, तो और अंगों का भी रिपीटेशन हो जाता है। तो ये इन अर्थ वर्म्स द बॉडी शोज द पार्शियल द पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेना इज नोन एज द मेटामेरिजम्स। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस और इक्वल सेगमेंटेशन पार्टीशन होता है उसकी बॉडी का, तो वो क्या है, ट्रू मेटाबॉलिज्म, ट्रू सेगमेंटेशन कहलाता है। और वो जो सेगमेंट है उसको या तो आप खंड कहोगे या मेटामेर भी कहा जाता है या सेगमेंट भी कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो फिनोमिना ना दफो मतलब कि द प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ सेगमेंटेशन इज नोन एज द मेटामेरिजम्स। एनिमल्स आर ऑफ्टन क्लासिफाइड बाय देयर बॉडी टेक्सचर, बॉडी स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जाम्पल सेगमेंटेशन एंड द रिपीटेशन ऑफ बॉडी पार्ट डिफाइन द फाइलम ऑफ वर्म्स। तो ये जिसके अंदर सेगमेंटेशन पाया जाता है तो वो क्या उसको डिफाइन करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वर्मी यानी कि वॉर्म्स कहलाते हैं। और ये एक फाइनल में रखे जाते हैं पर्टिकुलर विशेष फाइनल में जिसको एनलिडर कहते हैं। एनिमल्स दैट हैव ए ट्रू बॉडी कैविटी डिफाइंस एज ए फ्लू फ्लूड फ्लूइड स्पेस एंड इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ह्यूमंस आर आल्सो क्लासिफाइड इन द सेपरेट फाइलम फ्रॉम दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ट्रू बॉडी कैविटी। तो इनको अलग कर दिया जाता है जो इनके अंदर वास्तव में गुहा पाई जाती है या गुहा नहीं पाई जाती। नोटोकोर्ड, सम इनवर्टिब्रेट्स इवॉल्व ए नोटोकोर्ड, दिस इज द स्टिफ सपोर्ट रोड इन ए कोडेट। द फर्स्ट कोडेट वी आर प्रोबली सिमिलर टू द मॉडर्न इनवर्टिब्रेट कोडेट्स, द सी स्क्वर्ट इन फिगर बिलो विज एन एग्जाम्पल। लाइक लेटर सम इनवर्टिब्रेट्स कोडेट्स इवॉल्व इन टू ए वर्टिब्रेट्स नोटोकोड, ए सी स्क्वर्ट इज ए एन इनवर्टिब्रेट विथ ए नोटोकोड। तो उसके बाद जो इनवर्टिब्रेट्स थे जितने भी जिनको जिनके अंदर क्या हुआ, नोटोकोड का विकास हुआ और वो नोटोकोड्स आगे चल के वर्टिब्राई यानी कि वर्टिब्रेट्स का वर्टिब्राई का डेवलपमेंट हुआ और वर्टिब्रेट्स डेवलप्ड हुए। तो सब कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर नोटोकोड का डेवलपमेंट भी हुआ। तो दिस इज द स्टीप, जो एक ये स्टीप रोड लाइक जो सपोर्ट्स था जो इनको सपोर्ट्स करता है किसको, इनवर्टिब्रेट्स को। तो ये इनके अंदर स्केल्टन भी धीरे धीरे बाद में डेवलप्ड हुआ कि इनके अंदर कार्टिलेज का स्केल्टन पाया जाता है, जिनके अंदर बोन का स्केल्टन बाद में देखने को मिला। क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट, देर आर मेजर 8 फाइलम इन इनवर्टिब्रेट्स। तो इस टेबल में आप देख रहे हो, ठीक है ना, इस टेबल में आपको 8 फाइलम जो कि आपको, और प्रोटिस्टा इंक्लूडिंग प्रोटिस्टा प्रोटोजा 9 फाइलम है जो कि आपको फर्स्ट पेपर के सिलेबस में आते हैं जिनका आपको अध्ययन करना है। द टेबल बिलो इज गिवन एन ओवरव्यू ऑफ द 8 इनवर्टिब्रेट्स एंड 9th वन इज ए प्रोटोजोआ विथ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्पेसिस। द नेक्स्ट चैप्टर डिस्क्राइब्स ईच फाइलम इन ए ग्रेटर डिटेल। तो अगले आने वाले जितने भी ई लेक्चर्स हैं जिनके अंदर पर्टिकुलर अपन फाइलम को पढ़ेंगे, प्रोटोजा, यूनिसेलुलर, ए सेलुलर जिनके अंदर अमीबा, पैरामेशियम, प्लाजोडियम जो एग्जाम्पल्स, पोरीफेरा, स्पॉन्जेस जिसको कहा जाता है, पोर बियरिंग जितने भी एनिमल्स होते हैं दे आर पोरीफेरा, निडेरिया, जेली फिश, कोरल्स, ठीक है ना, वो आते हैं, प्लेटी एलिमेंट्स जिनके अंदर फ्लैट वर्म, टेप वर्म और फ्लूक्स आते हैं, और नेमेटोडा जिसके अंदर राउंड वर्म्स आते हैं, मोलस्का जिसके अंदर स्नेल, क्लैम्स, स्क्वेड्स, ऑक्टोपस ये आते हैं, एनलीडा जिसके अंदर अर्थ वर्म, लीचेस, मेराइन वर्म्स जितनी होती है वो आती है, अर्थोपोडा जिसके अंदर इंसेक्ट्स, स्पाइडर, क्रस्टेशिया, सेंटीपीड, स्कॉर्पियो, क्रैब्स ये सारे आते हैं, इकाइंडरमेटा जिसके अंदर सी स्टार, सी अर्चिन एंड डॉलर एंड सी कोकुम्बर्स आते हैं। तो ये अपन ये आपका पूरा फर्स्ट पेपर के अंदर को कवर करते हैं ये जितने भी फाइलम्स हैं। प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूट्रोस्टोमिया इज अनदर कैरेक्टर्स जिसको ये डिफाइन करो कि जब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स होता है जीवों के अंदर उस समय जो माउथ का और एनस का जो डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोपोर से, तो उसके आधार पर कौन से जीव हैं जो प्रोटोस्टोमिया और कौन से जीव हैं जो ड्यूट्रोस्टोमिया है। तो जाइकोट बनने के पश्चात, जो विदलन के पश्चात जब ब्लास्टोपोर से गैस्ट्रुला बनता है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, तो ब्लास्टोपोर है उससे
मुख का निर्माण पहले हो रहा है, ठीक है, और एनस उसके बाद बनती है। तो इस प्रकार के जीव क्या है, वो सारे प्रोस्टोस्टोमिया या प्रोस्टोस्टोमेट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे जीव जिनके स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइज क्या कहते हैं, फ्यूजन होने के बाद और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट का निर्माण होना और जायगोट के बाद विदरण होना और विदरण के बाद ब्लास्टुला गैस्टुला की अवस्थाएं विकसित होना और उसके पश्चात जो ब्लास्टुला जो ब्लास्टोफोर है उससे यदि एनस निर्मित होती है, तो इसके इस प्रकार के इस प्रकार के जो जीव हैं जिनके अंदर ब्लास्टोफोर से एनस का निर्माण होता है वो सारे ड्यूस्टोस्टोमेट्स कहलाते हैं। तो इन वर्टिब्रेट्स के अंदर इकाइनर्मेटा से आने वाले इकाइनर्मेटा से जितने भी ऊपर वाले जो सारे जीव हैं दे आर प्रोस्टोस्टोमेट्स इंक्लूडिंग इकाइनर्मेटा एंड जितने भी जो कोर्डेट्स हैं वो सारे ड्यूस्टोस्टोमिया हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स एंड हायर एनिमल्स कैन आल्सो बी प्लेस्ड इन वन और टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन ए हाउ दे डेवलप्ड एज एम्ब्रियो द टू ग्रुप्स आर कॉल्ड प्रोस्टोस्टोम्स एंड ड्यूस्टोस्टोम्स। तो ये दो ग्रुप कौन से हैं, प्रोस्टोस्टोम्स और ड्यूस्टोस्टोम्स। इन फिगर के अंदर आप जो देख रहे हो ये डायग्राम के अंदर जो वही दिखा रहा है कि भाई क्लीवेज का होना और जिसे ये स्पायरल क्लीवेज है और उसके बाद ब्लास्टोफोर बना गैस्टुलेशन से गैस्टुला बनने के पश्चात और ब्लास्टोफोर से माउथ का डेवलप्ड होना और यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्टोस्टो में रेडियल क्लीवेज हुआ जैसे अपन इसके अंदर इकाइनर्मेटा के अंदर देखते हैं। तो ब्लास्टोफोर से एनएस का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ आप ये प्रोस्टोस्टोमिया डिस्टोस्टोमिया को डिफाइन करते हैं और जैसे अपने पहले एक्टोडर्म इंडोडर्म मेजोडर्म की बात की तो उसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो टर्म्स आते हैं वो यूज होते हैं यदि वो त्रिस्तरीय है या द्विस्तरीय। मोलस्का एनिलेड्स एंड अर्थोपोड आर प्रोस्टोस्टोम, तो ये मैंने बोल दिया इकाइनर्मेट्स है और जितने भी कोर्डेट्स हैं वो क्या है डिस्टोस्टोम्स हैं। दिस डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट, वाई डज इट मैटर, इट शोज दैट द इकाइनर्मेट्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द कोर्डेट्स। इससे ये पता चलता है कि जो कोर्डेट्स के सबसे नज़दीक जो फाइलम है वो कौन सा है, इकाइनर्मेट्स है। एंड दे आर द अदर इनवर्टिब्रेट फाइला, दिस इज नॉट एपरेंट बेस्ड ऑन द अदर मोर ऑब्वियस ट्रेट्स। प्रोटोस्टोम वर्सेस ड्यूस्टोस्टोम्स, इन प्रोटोस्टोम सच एज मोलस्का द सिलोम फॉर्म्स विद इन मेजोडर्म्स एंड ड्यूस्टोस्टोम सच इकाइनर्मेटा द सिलोम फॉर्म्स फ्रॉम ए पाउच ऑफ इंडोडर्म। हाउ डज द इंफॉर्मेशन ऑफ माउथ डिफर इन दिस दिस टू ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स। तो यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि जो मोलस्का है जिनके अंदर जो गुहा का जो निर्माण है वो मेजोडर्म्स के हुआ है, जबकि जो ड्यूटोस्टोमिस इकाइनर्मेटा इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, तो उनके अंदर जहाँ गुहा का जो सिलोम है तो वो इंडोडर्मल के इन्वेजेशन की वजह से जो पाउचेस है जिसलिए इसमें इंट्रोसिलोम कहा जाता है, क्या कहते हैं इंट्रोसिलोम कहते हैं इसको, सिलोम के सिलोम का जो डेवलपमेंट होता है या सिलोम की जो टाइप्स है जिसके अंदर इंट्रोसिलोम और साइजोसिलोम्स आते हैं। तो यहाँ पर यदि तो ये क्या कहते हैं इंडोडर्मल ओरिजन हो जाती है यहाँ पर इंस्टेड ऑफ मेजोडर्मल। हाउ डज द फॉर्मेशन ऑफ द माउथ डिफर इन दिस टू ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स। तो आप यहाँ देखते हैं कि दो ग्रुप्स के अंदर जो माउथ का विकास है वो अलग अलग तरह से हुआ, एक में पहले हुआ माउथ का विकास, एक के अंदर बाद में हुआ। तो प्रोटोस्टोमिया, स्टोम का अंदर, प्रो मतलब होता है पहले और स्टोम्स का अंदर होता है माउथ, तो ड्यूट्रोक होता है मतलब बाद और स्टोम्स का होता है माउथ। तो यहाँ जो शब्द है उसी से ये परिभाषित हो जाता है कि माउथ का पहले विकसित होना वैसे जीव प्रोस्टोस्टोमिया, माउथ का बाद में विकसित होना ऐसे जीव ड्यूस्टोस्टोमिया। तो यहाँ पर ब्लास्टोफोर से एनस पहले विकसित हो रही है तो ये ड्यूस्टोस्टोमिया है और यहाँ माउथ से पहले माउथ डेवलप हो रहा है इसका मतलब ये प्रोस्टोस्टोमिया है। द वर्ड्स डिफाइंड्स इटसेल्फ, इट इज प्रोस्टोस्टोमिया आर इट ड्यूस्टोस्टोमिया। तो इतना जितने भी आप कैरेक्टर पढ़ चुके हैं और उसके पश्चात जो आपको कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। द मेजोरिटी ऑफ लिविंग एनिमल्स एंड इन्वर्टिब्रेट्स इन्वर्टिड लैक बैकबोन, ये आपको जान आ गया, जितने भी अकेशेरुकी जीव उनके अंदर बैकबोन यानी कि आपको जो वर्टिब्रल कॉलम है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना, जिसको मेरुदंड कहते हैं वो नहीं मिलेगी। दे मे हैव एन इनकम्प्लीट आर कम्प्लीट डाइजेशन, इनके अंदर आपको अपूर्ण और अपूर्ण पाचन तंत्र देखने को मिल सकता है। दे वेरी हैव दे मूव एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ दियर नर्व सिस्टम, उनके अंदर तंत्रिका तंत्र की कितनी जटिलता है, कैसे वो चलते फिरते हैं। मोस्ट इनवर्टेड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली,
उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार का है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी इन्वर्टिब्रेट है वो लैंगिक जनन करते हैं। आफ्टर हैचिंग मनी इन्वर्टेड पास थ्रू ए वन आर मोर, तो इन्वर्टिब्रेट्स में आपको एक या एक से ज़्यादा उसकी जीवन की अवस्थाएं देखने को मिल सकती हैं, जिनके अंदर डिफरेंट फ्रॉम वो एडल्ट से वयस्क से अलग हो सकती है, उनके अंदर लार्वा अवस्थाएं पाई जा सकती है। मनी इंपॉर्टेंट ट्रेट्स इवोल्व इन इन्वर्टिब्रेट्स, दे इंक्लूड मल्टी सेलुलरी टिश्यू इनको, तो आपको बहुत सारे और भी लक्षण जो इनके उद्भव हुआ, बहुकोशिकीय था, उत्क का निर्माण, अंगों का बनना, रेडियल समिति का पाया जाना और द्विपक्षीय समरूपता या समिति का मिलना, सेफलाइजेशन मतलब डोमिनेशन ऑफ हेड रीजन, द फॉर्मेशन ऑफ या शिफ्टिंग ऑफ नर्व सिस्टम टूवार्ड्स हेड रीजन या फ्रंट रीजन, तो उसका कंट्रोल होना सेंट्रल नर्व सिस्टम का वहाँ पाया जाना, दैट इज नोन एज द सेफलाइजेशन। मेजोडर्म कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम, सिलोम एसिलोम सेगमेंटेशन बॉडी एंड नोटोकॉर्ड, तो ये सारे कैरेक्टर्स। एट इन्वर्टिब्रेट्स फाइला कंटेन मोस्ट इन्वर्टिब्रेट स्पेसिस, इन्वर्टिब्रेट्स एंड हायर एनिमल्स जिसको जिसके अंदर आते हैं इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर, कैन आल्सो बी प्लेस्ड इन वन ऑफ टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन हाउ दे डेवलप्ड एज एम्ब्रियोस, तो जैसे प्रोटोस्टोमिया डिस्टोस्टोमिया जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर टू ग्रुप्स आए। वो लेसन्स रिव्यू क्वेश्चंस रिकॉल्स, आपको ये क्वेश्चन से इनके बारे में आपको पता हो जाना चाहिए। डिस्क्राइब द रेंजेस ऑफ वेरिएशन इन द नर्व सिस्टम, किस प्रकार का आपको अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है उसके तंत्रिका तंत्र में, अकशेरुकियों में। डिस्टिंक्ट शॉप ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री को कैसे परिभाषित करोगे कि उनकी रेडियल और बायोलेटरल सिमेट्री किस प्रकार की। सेफलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन टू ए बायोलेटरल सिमेट्रिकल और इसका बायोलेटरल समिति से या द्विपक्षीय समरूपता से क्या संबंध है सेफलाइजेशन का। व्हाट इज मेजोडर्म, मध्य चरम क्या है। नेम एंड इन्वर्टिब्रेट्स विथ मेजोडर्म, सो कौन कौन से अकशेरुकी जीव हैं जिनके अंदर मेजोडर्म आपको देखने को मिलती है। गुहा क्या है, हाउ इज द सिलोम रिलेटेड टू द हाइड्रोस्टेटिक, और सिलोम का हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन से क्या संबंध है। व्हाट इज सेगमेंटेशन, खंडीकरण क्या होता है। व्हाई इट इज एडेप्टेटिव, और ये अनुकूलित क्यों है, किसके लिए अनुकूलित है। डिस्क्राइब इविडेंस शोविंग दैट इकाइंडर्मेट्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड द कॉर्डेट देन आर द अदर इन्वर्टेड फाइला, दूसरे अकशेरुकियों को जीवों को छोड़कर कैसे इकाइनोडर्मेटा है वो ये दर्शाते हैं कि वो कॉर्डेट्स के ज़्यादा नज़दीक है या ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन जो इसके पढ़ने के पश्चात, इतने ये दो आपको जो ये लेक्चर्स पढ़ाए गए हैं इसके पश्चात ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अप्लाई कॉन्सेप्ट्स, क्रिएट ए डायग्राम टू शो द लाइफ साइकिल ऑफ एन इनवर्टिब्रेट्स विथ लार्वल स्टेज, तो एक डायग्राम बना के आप ये शो करिए कि को कौन से अकशेरुकी हैं जिनके अंदर लार्वा अवस्थाएं देखने को मिलती है। इंक्लूडिंग सिंपल्स स्केचेस ऑफ द एडल्ट एंड लार्वल स्टेजेस ऑफ द एनिमल्स, एज्यूम्स यू हैव डिस्कवर्ड ए न्यू इनवर्टिब्रेट्स, इट हैज़ ए सेगमेंटेड बॉडी, ए ब्रेन एंड जॉइंटेड अपेंडिजेस इन विच फाइला वुड यू प्लेस इट, तो आप ये एज्यूम कीजिए कि आपको एक कोई इन्वर्टिब्रेट्स मिला है जिसके अंदर खंडकीय यानी कि खंडीकरण पाया जाता है उसके शरीर में, और उसके अंदर ब्रेन भी है और जॉइंटेड अपेंडिजेस भी है, तो वो जीव किस फाइलम के अंदर रखा जाएगा। थिंक क्रिटिकली, कंपेयर एंड कॉन्ट्रेस्ट इनकम्प्लीट एंड कम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम, और अपूर्ण और पूर्ण जो पाचन तंत्र है उसको इनडिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या क्या उनके अंदर डिफरेंस है। वाई इज ए कम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम इज मोर एफिशिएंट, जो कम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम है वो ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि उसके ट्रैक के साथ जितने भी एसेसरीज ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन के लिए आवश्यक है वो भी विकसित हुए हैं। एक्सप्लेन हाउ इनहिबिटेट्स मूवमेंट इज रिलेटेड टू द बॉडी सिमेट्री, तो आप 11वां जो ये क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि जो केशिकीय का मूवमेंट्स है वो उसकी बॉडी सिमेट्री से क्या संबंध रखता है, जहाँ पर आपको रेडियल और बायोलेटरल सिमेट्री के बारे में बताया था। वो रेडियल सिमेट्री के वो मूवमेंट सोच नहीं करते हैं क्योंकि उनका जो फ्रंट रीजन है वो बॉटल रीजन डिस्टिंक्ट नहीं है, जबकि जो बायोलेटरल सिमेट्री जिन जीवों के अंदर पाई जाती हैं दे हैव डिस्टिंक्ट बॉडी रीजन्स एंड दे सो देयर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हाफ इक्वल पार्ट, दे सो देयर मूवमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, वेयर इज हैविंग रेडियल सिमेट्री एनिमल्स दे हैव नो सो दे हैव नो सो एनी मूवमेंट्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉइंट टू बी कंसिडर दिस चैप्टर्स प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइला, द नेक्स्ट चैप्टर डिस्क्राइब इनवर्टिब्रेट फाइला इन ग्रेटर डिटेल्स। वाट क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट इनवर्टिब्रेट फाइला एंड नाउ फॉर एग्जाम्पल्स
डू यू वॉन्ट और वेयर ऑर्गेनाइज मीन्स द डिफरेंट फाइल अलाइव आर वाट द ईट, मतलब आपको ये ध्यान में चाहिए कौन से जीव किस फाइला के अंदर रखे जाएंगे और वो क्या खाते हैं. इनवर्टिब्रेट्स इवोल्व्ड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ईयर्स ऑफ अगो, विच इनवर्टेड फाइला डू यू थिंक हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज टूडे. थैंक यू. ये आपका जो बेसिक, इस पेपर को शुरू करने से पहले जो बेसिक बेसिक चीज़ें थी वो आपको दोहराई गई है और इसके बारे में आपको पूर्व में भी पता होगा, ठीक है, और मैंने आपको वापस याद दिलाने के लिए इसको दोहराया है. नेक्स्ट जो ई लेक्चर रहेगा वो आपका पहले यूनिट के टॉपिक से शुरू होगा फर्स्ट पेपर के. थैंक यू.